खबर बांदीकुई से। स्कूल शिक्षा परिवार बांदीकुई के तत्वाधान में आज एक बड़ा प्रदर्शन एसटीएम कोर्ट के बाहर किया गया, साथ ही एसटीएम को ज्ञापन भी दिया गया। प्रदर्शन करने वालों में प्राइवेट स्कूल संचालक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान, निजी कोचिंग चलाने वाले शिक्षक, स्टेशनरी से संबंध रखने वाले, प्रिंटिंग प्रेस यूनियन, ड्राइवर यूनियन सहित अन्य लोग भी शामिल थे। स्कूल शिक्षा परिवार के जिला प्रभारी रवि पालीवाल ने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है और सभी क्षेत्रों के सभी कार्यालयों को खोल दिया गया है, परंतु शिक्षा क्षेत्र अभी पूर्ण रूपेण बंद है। निश्चित तौर पर देश को आगे बढ़ाने में शिक्षा का अहम रोल होता है और ऐसे में केवल शिक्षा क्षेत्रों को बंद करना, बाकी सबको खोल देना निश्चित तौर पर आलोचना का निर्णय है। ब्लॉक अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने बताया कि पिछले 2-3 साल से आरटीआई का भुगतान नहीं हो पा रहा, जबकि इस कोरोना काल में संचालक साथियों की आर्थिक स्थिति वैसे ही बहुत दयनीय है और ऐसे में सरकार कोई राहत पैकेज देने के बजाय स्कूलों का आरटीए का पैसा, जो उनका हक है, वह भी कई सालों से नहीं मिल रहा। कमल सिंह गुर्जर ने बताया कि सरकार के तुगलकी फरमान को लेकर भी प्राइवेट स्कूल संचालक साथियों में गहरा रोष व्याप्त है। संरक्षण मोहन जागीर का कहना है कि डायरेक्टर ने हाल ही में आदेश निकाला है, इसके तहत किसी भी स्कूल में प्रवेश के लिए टीसी की आवश्यकता नहीं है। यह सरासर गलत है, इससे फर्जीवाड़े को बढ़ावा मिलेगा, रिकॉर्ड की विश्वसनीयता में कमी आएगी और निजी स्कूलों की फीस डूबने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। लक्ष्मी नारायण सैनी और हुकुम सैनी का कहना था कि विभिन्न प्रकार के लोग, जैसे बिल्डिंग, बसों की किश्त आदि पर रियायत दी जानी चाहिए। राम सिंह गुर्जर और ललित शर्मा ने बताया कि प्राइवेट स्कूल में लगभग 10 लाख कर्मचारी कार्यरत है। इस कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, इसे लेकर सरकार को कोई ना कोई राहत पैकेज देना चाहिए। भगवान सिंह नरुका ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा संचालक साथियों का भी कहना था कि सरकार को जल्द से जल्द सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान खोल देने चाहिए। उनके नहीं खुलने से बच्चे, अभिभावक, उनमें अध्यापन कार्य कराने वाले अध्यापक, गैर शैक्षणिक कार्य करने वाले कर्मचारी, निजी स्कूल संचालक साथी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न प्रतिष्ठान के मालिक, जैसे स्टेशनरी से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित, सब बेहद परेशान हैं। सरकार को जल्द से जल्द सभी प्रकार की संस्थाओं को लॉकडाउन की पालना करते हुए खोल देना चाहिए। बाकी तो मुख्यमंत्री के, शिक्षा मंत्री के की बात है।